नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड सिविल जज का 2016 का पेपर है, ये विधि वाला प्रश्न पत्र है। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी बैठी हुई है, बट मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा करा दूँगी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय साक्षर अधिनियम के किस उपबंध में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि निश्चित परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकती है। इसमें से बताना है कि एविडेंस में ऐसा कौन सा नियम है, किस सेक्शन में है कि निश्चित परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाला व्यक्ति या फिर उसके द्वारा कोई भी स्वीकृति साबित की जा सकती है। ये दिया गया है ऑप्शन डी, धारा 21 में। सही आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, धारा 21 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय साक्षर अधिनियम की धारा 133 निम्नलिखित में से किस एक के बारे में प्रावधान करती है। धारा 133 यह सह अपराधियों के बारे में है, ऑप्शन डी सह अपराधी का साक्ष्य है, ये धारा 133 में आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्षर अधिनियम के निम्नलिखित में से किस उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति का प्रावधान है। इसमें यह है धारा 22(1) में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित समाहित नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से कौन है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अंतर्गत न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो नहीं आता है ऑप्शन सी, मध्यस्थ। ये तो क्वेश्चन और भी दूसरे पेपरों में बहुत बार रिपीट हो चुका है। सेक्शन 3 के अंतर्गत डेफिनेशन वाला पोर्शन है जिसमें न्यायालय की परिभाषा भी आती है, उसमें जो मध्यस्थ होते हैं वो न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते। इसके अलावा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा उपबंध इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है तो वो है ऑप्शन डी, धारा 65(b). ये क्वेश्चंस यूके APU के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(a) संबंधित है। ये 114(a) किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी पूछा गया था। ये संबंधित है ऑप्शन सी, बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन से में संपत्ति के अभाव के बारे में उपधारणा से। और 113(b) भी पूछा गया था, ये 113(b) यह दहेज मृत्यु के लिए, और 113(a) ये आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए, ठीक है, एविडेंस एक्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या साक्षी से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए प्राधिकृत है। इसमें से कौन है जो अधिकृत है, किस सेक्शन में, तो ये है ऑप्शन बी 165 में दिया हुआ है कि जूरी या फिर असेसरी, ये प्रश्न करने की इनको शक्ति होती है, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसे साक्षी द्वारा लिखित रूप में दिया गया साक्ष्य जो कि मौक है, ये समझा जाएगा मौक साक्ष्य, ये समझ जाते हैं मौखिक साक्ष्य, मौक साक्ष्य होते हैं मौखिक साक्ष्य, और धारा है इसमें 119। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय असिस्ट और कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है। यदि वे प्रश्न जो है विवादक तथ्यों से संबंधित हैं तो न्यायालय उनकी अनुमति दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा कि जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये सेक्शन है सेक्शन 56 में। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा एक दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया। ये किया गया था धारा 146। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा है। मैंने आपको ये बताया था दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा ये दी गई है 113(b) में, और 113(a) में है आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी 2019 के पेपर में आया था। अगला प्रश्न है,
मैचिंग करनी है आपको, सही मैचिंग क्या होगी, धारा 60 में क्या है, तो हाँ ये इसमें मैचिंग करनी है, धारा 60 में है मौखिक साक्ष्य और 141 में है सूचक प्रश्न, 154 में है, ये 154 में आएगा पक्षद्रोही साक्षी और 159 में आएगा स्मृति ताजा करना। तो इसका सही आंसर देखते हैं, ये सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत होगी, तो यहाँ पर उसकी राय, उस व्यक्ति की राय या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक की राय या फिर सी उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया हो। इसमें सही आंसर ऑप्शन सी होगा कि उस वक्त उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया हो उसकी राय इसमें सुसंगत होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत है, ये आपको किस सेक्शन में बताया है, तो ये बताया गया ऑप्शन बी धारा 7 में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरे की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, ये किया गया था किरण चंद्र आरशी बनाम हरियाणा राज्य में, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यदि न्यायिक परीक्षा को पलटने के लिए साक्षी पक्षद्रोही बन जाता है तो न्यायालय मूक दर्शक की तरह खड़ा नहीं रहेगा बल्कि सत्य जानने का हर संभव प्रयास करेगा, तो ये किस वाद में कहा गया था, ये कहा गया था स्टेट रूपी सी लोधी कॉलोनी बनाम संजीव नंदा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें यह अवधारित किया गया है कि यह अनिवार्य है कि जिस दिन मुख्य परीक्षा पूर्ण होती है उसी दिन प्रति परीक्षा भी पूर्ण होनी चाहिए, ये किस बाद में कहा गया था, तो ये कहा गया था इंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में, डी आंसर सही इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशिक्षित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार की जा सकेगी, ये किस वाद में कहा गया था, ये कहा गया था सी मुनियप्पम बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी घायल व्यक्ति का कथन मृत्यु पूर्व कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है परंतु यदि वह जीवित रह जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध के अधीन उक्त कथन ग्राह्य होगा, तो ये ग्राह्य होगा ऑप्शन डी 157 के अधीन वो ग्राह्य होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन डी सर हेनरी मैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा उपबंध स्वीकृति शब्द को परिभाषित करता है, स्वीकृति की डेफिनेशन जो है वो है धारा 17 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता, अब यहाँ से सीआरपीसी के प्रश्न स्टार्ट है, में कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है, इसमें से बताना है आपको कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR पर कौन सा वाद संबंधित है, तो यहाँ पर संबंधित है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है, इसमें बताना आरोप कब वो परिवर्तित कर सकता है, तो ये कर सकता है निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय न्यायालय जो है अपने आरोप को परिवर्तित कर सकता है 216 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को विचारण के अधीन निम्न अधिकतम अवधि तक निरोधित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन सी, उक्त अपराध के लिए प्रावधानित दंड की अधिकतम अवधि से आधे से अधिक। अगला प्रश्न है,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2WA के अंतर्गत पीड़ित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से जो सम्मिलित नहीं होगा वो अभिभावक और विधिक उत्तराधिकारी दोनों ही सम्मिलित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है? तो एक मजिस्ट्रेट जो है वो, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2019 में भी क्वेश्चन आया था। तो एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है वो अपनी जानकारी पर भी, पुलिस रिपोर्ट पर भी, परिवाद पर भी, ये सभी पर। डी आंसर इसका जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत जमानत स्वीकृत करने का अधिकार निहित है। तो ये जमानत स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में निराधार गिरफ्तारी करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर देने का प्रावधान है? ये दिया गया है ऑप्शन बी 358 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए? तो ये दिए गए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अंतर्गत यह एक फरार अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है? ये की जा सकती है सेक्शन 299, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा एक विधिक सहायता हेतु प्रावधान करता है? विधिक सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है ऑप्शन बी 304 में। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है किंतु राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है, तो कितने टाइम के लिए बढ़ा सकती है? ये बढ़ा सकती है 6 माह से अधिक के लिए नहीं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 की आवश्यकता है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन अंतर्स्थापित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे केस डायरी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में प्रावधानित किया गया है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकतः किया जाएगा? सही आंसर क्या है इसका? यह ऑप्शन सी 218। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा एक यह प्रावधान करता है कि कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं करेगा? ये दिया गया है सेक्शन 362 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के अंतर्गत अभिभावक सौदेबाजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, कहाँ पर दिए गए हैं ये प्रावधान? तो ये दिया गया है चैप्टर 21A में, चैप्टर 21A में, और सेक्शन है इसका 265K से लेकर के 265U तक। अगला प्रश्न है, ए हरिद्वार से वापसी तक, ए हरिद्वार से वाराणसी तक जाने वाली रेलगाड़ी में लूट कारित करता है उसकी जांच अथवा विचारण किया जा सकता है? तो कहाँ किया जा सकता है? ये किसी भी न्यायालय में जहाँ से होकर रेलगाड़ी गुजरती है, ये किसी भी न्यायालय में किया जा सकता है, मतलब कहीं से भी गुजर सकती है। इसका मतलब ये है कि हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक ये कहीं भी अगर रेलगाड़ी रुकती है तो वहाँ पर उसका विचारण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मृत्युदंडादेश की पुष्टि की कार्यवाही में उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो केवल मृत्युदंड की पुष्टि करे या अन्य दंडादेश की, केवल अभियुक्त को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी सिद्ध करे या अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोष मुक्त करे? तो ये सभी जो है, इसमें उच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो ये सभी कर सकता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है, यदि वह ऑप्शन ए जारता में रहती है, ऑप्शन बी पर्याप्त कारणों के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या फिर सी पारस्परिक संपत्ति से पृथक हुए? सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ये सभी 125 पर 2019 में भी पेपर बना हुआ है, 2019 के पेपर में 125 में प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वादों में से यह
निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता के गिरफ्तार ना करें और मजिस्ट्रेट यथाकथा हिरासत की मंजूरी ना दे। तो इसमें सही आंसर है कि किस बात में ये बात कही गई थी, ये कही गई थी अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के निम्नलिखित उपबंधों में से किसमें यह प्रावधान किया गया है कि बालिका के साथ बलात्कार के संबंध में अन्वेषण उस तिथि से जिस तिथि को पुलिस थाने में इतला अभिलिखित की गई थी 3 माह के भीतर पूरा कर लिया जाए। तो ये दिया गया है 173 के क्लॉज 1 में। अगला प्रश्न है, ये आईपीसी के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, भारतीय दंड संहिता का कौन सा उपबंध विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती इस सिद्धांत पर आधारित है। ये है धारा 95 में है कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देगी, ये एक्सेप्शन वाले पार्ट में आएगा अध्याय में। अगला प्रश्न है आईपीसी का, अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1-7 वर्ष के से कम के आयु का जो बालक है तो उसके द्वारा किया गया कोई अपराध वो अपराध करने में पूर्ति असक्षम माना गया, 7 वर्ष से कम आयु का बालक आईपीसी के अनुसार। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत समाहित है। विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत समाहित है ये 301 में है। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जमानत देने दिए जाने का आदेश प्रस्तुत करने के उपरांत भी एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को हवालात में निरुद्ध करता है, ऐसा पुलिस अधिकारी दोषी है, तो वो दोषी होगा सदोष परिरोध का। और सदोष परिरोध ये किस सेक्शन में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सदोष परिरोध किस सेक्शन में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपराधों में से किस एक के लिए दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। दुराशय एक आवश्यक तत्व इसमें से जो नहीं होगा वो है दुर्विवाह के लिए। क्वेश्चन रिपीटेड है ये क्वेश्चन, इस उत्तराखंड के अलावा अलग स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है और ऑप्शन भी सेम ही रहे हैं इसके, दुर्विवाह दुराशय के आवश्यक तत्व में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो चोरी के अपराध के लिए इसमें अचल संपत्ति का होना ये आवश्यक नहीं है, इसके अलावा बेईमानी आशय कब्जे से हटाया जाना और संपत्ति के बिना, तो ये चोरी के आवश्यक तत्व में आएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण कारित किया जा सकता है यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम की आयु की है, तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जब दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध कारित करते हैं, कौन सा अपराध कारित करेंगे वो, तो वो करते हैं दंगा, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह अपनी दुकान की वही में एक मिथ्या प्रविष्ट इस प्रयोजन से करता है कि न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाए, ए यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी है, तो ए यहाँ पर दोषी होगा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक पुरोहित जिसने साक्ष्य अवैध विवाह करवाया, साक्ष्य मतलब उसका मतलब था, और इस प्रकार के विवाह के हो जाने में अपना योगदान दिया, दुष्प्रेरण हेतु दायी है, बताना आपको यहाँ पे उसने क्या अपराध किया है। तो यहाँ किया उसने शास्त्रीय सहायता द्वारा, उसने किस तरह का दुष्प्रेरण किया है, उसने सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण किया है। अगला प्रश्न है, क्या एक स्त्री का घूंघट उसे शुद्ध करने के आशय से उठा देता है, तो यहाँ पर बताना है क्या किस चीज़ के लिए दोषी है, तो वो दोषी है आपराधिक बल का प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न है, 350 में है फ्रेंड्स ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लूट और डकैती के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। लूट और डकैती के बीच में जो अंतर स्पष्ट करेगा वो अपराधियों की संख्या है वो करता है। लूट के लिए कम से कम 2 उससे अधिक और डकैती के लिए 5, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, अधिकतम अवधि जिसके लिए एक दोष सिद्ध व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जाए, एक दोषी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो टाइम होगा ऑप्शन बी 3 माह के लिए, 3 माह से ज़्यादा के लिए नहीं, 73 सेक्शन में है ये। अगला प्रश्न है, बलात्संग पीड़िता की पहचान को प्रकट करना भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये है 228 ए। अगला प्रश्न है, समरूप आशय और सामान्य आशय के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस वाद में स्पष्ट किया गया था, ये किया गया था महबूब शाह बनाम एम्परर, और ये सेक्शन 34 का क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता की प्रतिरक्षा से संबंधित है? ये संबंधित है आर बनाम डडले स्टीफन का वाद। अगला प्रश्न है, गे की हत्या करने के लिए खे को खे उकसाता है, खे ऐसा करने से इनकार कर देता है, खे यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी है? यहाँ पर वो दोषी होगा हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए, क्योंकि वो उसको उकसा रहा है उसकी हत्या करने के लिए। अगला प्रश्न है, खे इस आशय से यह की अंगूठी नदी में स्वेच्छा से फेंक देता है कि यह को तद द्वारा सदोष हानिकारित करे। कह ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? तो कह ने यहाँ पर अपराध किया है ऑप्शन बी रिस्टी का एक्सटॉर्शन किया है उसने यहाँ 425 सेक्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि मृत्युदंड केवल विरलतम मामलों में ही दी जाएगी? यह किस बाद में स्पष्ट किया ये किया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की है? तो ये की थी, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? बताना इसमें कौन सही नहीं है, निर्वाचन में रिश्वत धारा 171 भी ये सही नहीं है। अगला है दंगा 159 में ये सही है, ठग 310 में ये भी सही है, लोक न्यूसेंस 171 बी वाला भी सही है, और लोक न्यूसेंस 267 में ना होकर के 267 में जो है खाटे और बाट और माप है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लोक न्यूसेंस 267 में ना होकर के इसमें खाटे बाट और माप की बात है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स इसमें ये आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही लिखा हुआ है इसमें, लोक न्यूसेंस जो है ये 268 में है। अगला प्रश्न है, और आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के मामले में त्रिस्तरीय परीक्षण का सूत्र स्थापित किया था, प्रतिपादित किया था? तो बताना आपको कि इसमें से किस वाद में त्रिस्तरीय परीक्षण का सूत्र प्रतिपादित किया था सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के लिए? ये किया था ऑप्शन डी जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। फ्रेंड्स ये मैंने आपको आईपीसी के सीआरपीसी के और एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इसके अलावा टीपीए हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर करना, और कमेंट आप इस कर सकते हैं। थैंक यू।